नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब विज्ञप्ति आएगी, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे। परेशान कर लिया है सेकंड ग्रेड ने। पहले कह रहे थे दिवाली तक नोटिफिकेशन आउट हो गया और अब मार्च आने को है, अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो कब तक जारी होगा, क्या अपडेट है, आप अपडेट दें। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं नोटिफिकेशन से संबंध में अपडेट देने वाला हूं कि कब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा। पूरी प्रूफ के साथ आपको ये चीजें बताऊंगा कि क्या आपका प्रस्ताव भेजा जा चुका है या नहीं भेजा जा चुका, प्रस्ताव भेजने के बाद कितने दिनों के बाद आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पर आपको सेकंड ग्रेड मैथ्स का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नए कोर्स बल्कि आपको टेस्ट सीरीज, नोट्स, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिल रहा है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को अभी जाकर ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहां पर मिलती रहती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सेकंड ग्रेड में क्या अपडेट फिलहाल चल रही है, सेकंड ग्रेड नोटिफिकेशन को लेकर क्या अपडेट है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सेकंड ग्रेड 2022, तो दोस्तों सबसे पहले आरपीएससी के पास ये अभ्यर्थना या प्रस्ताव भेजा जा चुका है। 97 पोस्टें हैं और इन पोस्टों को लेकर जो आरपीएससी के पास एप्लीकेशन देनी होती है, प्रस्ताव भेजना होता है, वो प्रस्ताव पिछले 5-7 दिन पहले ही भेजा जा चुका है। यानी प्रस्ताव आरपीएससी के पास पहुंच चुका है और भी भर्तियों के प्रपोजल जा रहे हैं। लाइब्रेरियन की भर्ती का दे दिया और ये सेकंड ग्रेड का भी प्रपोजल दे दिया, तो इसके लगभग 15-20 दिन के बाद विज्ञप्ति जारी करनी होती है। यानी सोच विचार करते हैं कि कैसे ये प्रपोजल पास किया जाए या नहीं किया जाए, क्या इसके अंदर कुछ कमियां हैं वो भी देखनी पड़ती है। तो सब कुछ देखने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ अब इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अब ये वैकेंसी विज्ञप्ति है वो जारी की जाएगी। यानी लास्ट काम यही होता है, तो लास्ट काम हो चुका है, उसके बाद अब इसके अंदर यानी 5-7 दिन हो गए हैं, जो चीजें देखनी थी, जो कमियां हैं वो चीजें देखनी थी, वो 5-7 दिन हो चुके हैं। अब आपका लगभग 10 या 15 दिन के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और आपके फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे कि क्या क्या सब कुछ आपके लिए कि कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे। यानी लगभग मानकर चल सकते हैं हम 10-15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आउट होता है तो अप्रैल के अंदर ही आपके एग्जाम, जो फॉर्म है एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट होंगे। और एग्जाम कब होगा उसको लेकर भी मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि कब तक एग्जाम होगा, रीट से पहले होगा या नहीं होगा। तो इस चैनल पर जुड़े रहना, जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपके पेपर को से रिलेटेड होगा कि कब आपका पेपर होने वाला है। चलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल ही ये चैनल आपके लिए बन चुका है। पूरा कंप्लीट चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।